हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है दाल सैंडविच के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, रात की बची हुई दाल, अभी रात पूरी हुई नहीं है, लेकिन जैसे रात को खाने में दाल बच जाती है और कुछ भी सालन वगैरह बच जाता है, और फिर आपको लगती है मिडनाइट भूख, तो फिर उस भूख में क्या किया जाए? ऑफकोर्स उस भूख में और कुछ नहीं, हम बनाएंगे सैंडविच। ठीक है गाइस, तो फटाफट हम बना लेते हैं क्रिस्पी यमी सैंडविच। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैं आपका बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने दाल उठानी है, इसको आपने ब्रेड पे लगानी है। थोड़ी ज़्यादा दाल हो, जितनी ज़्यादा दाल होगी तो फिर सैंडविच में मज़ा भी उतना ही आएगा। ठीक है, थोड़ा कीमा भी बच गया था तो हम कीमा भी ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने ये डाल दी। ये आजकल हम पता नहीं क्या, मक्खियों की सीज़न है, बहुत मक्खियाँ मच्छर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं किचन में भी कहाँ से आ जाते हैं, सारा दिन स्प्रे, सारा दिन सफाइयाँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से, समझ नहीं आती। खैर, तो ठीक है, आपने ऐसे करना है और उसके बाद हम डालेंगे केचप, और थोड़ी सी केचप डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो एक सेकेंड, दूसरा जो है, दूसरा हमने चला दिया है, अब हम इसमें डालेंगे केचप, थोड़ी सी केचप डालेंगे, क्योंकि केचप फिर, हालांकि केचप से ही टेस्ट आता है उसमें ना। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर रखेंगे, ये हमने स्लाइस रख लिया है, और अब हम इसका ऑन करेंगे फ्लेम। फ्लेम ऑन नहीं हुआ, हाँ फ्लेम ऑन हो गया। ठीक है, अब आप इसमें डालोगे सैंडविच। ये रहा हमारा एक सैंडविच, अब ऐसा ही हमने बना देना है दूसरा सैंडविच, बिल्कुल सिंपल। बस इसके लिए आपके पास ना ये सैंडविच मेकर मशीन होनी चाहिए। वैसे तो ये तवे पे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन मसला ये है कि आजकल ना 12 बजे, आजकल ही नहीं बल्कि पूरे सर्दियों से लेकर अभी तक जो है ना, टाइम का स्केड्यूल जो है वो बहुत आउट ऑफ वो है ना। थोड़ा सा हम कीमा भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, दाल, कीमा, और ये हमारे बन गए सैंडविच। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे केचप। मुझे केचप बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को केचप जो है ना वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यार केचप के सिवा कैसे फ्लेवर आएगा, ये बात तो सोचने वाली है ना। अगर मैं केचप कम डालूंगी तो कैसे फ्लेवर आएगा, केचप के सिवा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम फैला देंगे। गाइस, आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो कि नहीं देखते, या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोलते रहते हो कि हम देखते हैं देखते हैं, कमेंट शमेंट तो कुछ करते नहीं। अब ये मशीन हो गई गरम, इसको हम डालेंगे। ठीक है, अब हमने ना थोड़ा सा ऑयल है ना, वैसे मैं बॉटल से डालूंगी तो ज़्यादा टल जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, क्योंकि ऑयल से ना इसमें क्रंचीनेस आ जाती है। क्या हो गया भैया, ये तो अंदर जा रहा है ब्रेड में। बस थोड़ा सा ऑयल फैला देंगे ना, तो ब्रेड ऑयल में आपको पता है कितनी अच्छी बनती है ना। बन गया। अब हमने इसको फैला देना है। ठीक है, अब हम करेंगे मशीन को बंद। ये देखें, ये रेडी, ये पावर का बटन हो गया। एक सेकेंड, अब मैं इसको करूँगी बंद। एक हाथ से वीडियो बनाना, एक हाथ से सैंडविचेस बनाना, ये काम सिर्फ जो है ना औरतें ही कर सकती हैं, नहीं मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। इसको हम करेंगे, आज मेरा असिस्टेंट जो है अपने घर का है, वो जो है ना वो मेरी हेल्प करवाता है। अब जैसे ही रेडी का बटन होगा तो हमारे सैंडविच बन जाएंगे तैयार। तब तक हम एक काम कर लेते हैं, हमने जो मैस क्रिएट किया है उसको जल्दी जल्दी सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जब तक ये हो तब तक इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं,
और क्या करना है, और ठीक है, और बस ये प्लेट्स वगैरह रखनी है। थोड़ा सा क्लीनिंग का ख्याल किया करें, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो ये जो है ये रात के बर्तन आप लोग देख रहे हैं, ये बर्तन जमा हो जाते हैं और बस क्या करें। ठीक है, तो अब हमने प्लेट्स भी रख देनी है, ये फिर हम सुबह को देंगे, क्योंकि हमारा अभी सर में जो है ना बहुत दर्द हो रहा है। रिमेनिंग जो ब्रेड है, रिमेनिंग ब्रेड हमने फ्रिज में रख दी है। ठीक है, तो अब ये जब तक बनता है तब तक हम आपसे बातें करेंगे। कैचअप जो है हम अपने साथ लेके जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमारा जो है ना रूम ऊपर है और नीचे किचन है, तो जो है सैंडविच जैसे ही बन जाते तो हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो जब तक सैंडविच बनता है तब तक मैं आपको कुछ किचन की टिप्स दे देती हूँ। वो टिप्स ये हैं कि जो भी आप चीज़ बनाएं ना, बनाने से कुछ नहीं है, लेकिन किचन की सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। ये अब लॉक हुआ, ठीक है, किचन की सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। किचन में जो है ना छोटी छोटी चूंटियाँ हो जाती हैं, तो इसकी रेमेडी वैसे मुझे नहीं पता, मैंने नेट से देखी थी, तो इसकी रेमेडी ये थी कि आपने क्या करना है, विनेगर लेमन का मिक्सचर बना के आपने स्कॉच ब्राइट पे लगा के आपने उससे किचन को क्लीन करना है। अब मेरे पास यही घर में अवेलेबल था, मैंने किया, लेकिन उससे मुझे एज सच फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मुझे इसकी वैसे रेमेडी तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये चूंटियाँ होती कैसे हैं। आपके किचन में रात को बची हुई होती है रोटी, ठीक है, आप जो वो रोटी रखते हो ना, कोशिश क्या करो रात को जो रोटी बची हुई हो उसको या तो आप बिल्कुल कवर कर लिया करें, या तो फिर आप ना शॉपर में डाल के, जैसे आपने कहीं पे भी करनी है तो आप कर लिया करो, क्योंकि उससे पता ही क्या होता है, उस पर चूंटियाँ जमा हो जाती हैं, और सुबह को जब आप किचन देख के खुद ही डर जाते हो कि इतनी चूंटियों की फौज जो है वो आई कहाँ से। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखो। मेरे भी कभी कभी जैसे बंदा है, बेध्यानी में हो जाती है मिस्टेक्स, तो कभी कभी ना आवाज़ आने लग गई है, तो कभी कभी मेरी भी रोटी इसमें ना जैसे स्पॉट में रह जाती है इसमें, तो यहाँ से ना कुछ चूंटियों की फौज हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपना मेस का ख्याल रखा करें कुकिंग करते वक्त, क्लीनिंग का, और बस यही है। रेडी का बटन, जैसे ही रेडी वाली लाइट चलेगी ना तो हम इसको उतारेंगे। उतारेंगे किस में, जो हमने शीशे वाली प्लेट निकाली है कि इसमें हम उतारेंगे। जो भी बर्तन दिया करें ना, कोशिश किया करो उसको एक बार ना फिर से वॉश किया करें, क्योंकि पता है क्या, कभी कभी वो जो जैसे ये हमारे मैट्स वगैरह बर्तन धोते हैं ना, तो वो सोप जो है वो लगा हुआ होता है, तो फिर आप एक बार ना फिर धोने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हाइजीन का जो है ना वो ख्याल रखा करें। अब जैसे मैं इसको धो के फिर इसमें ही डालूँगी। अब आप लोग कहेंगे रात को ये मैं बर्तन धो के क्यों नहीं सोती, तो यार कभी कभी सारा दिन हम लोग काम करते रहते हैं, तो कभी कभी खुद को भी रेस्ट दिया करो, कभी कभी मेस में भी रह लिया करो, कोई मसला नहीं होता है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। और हाँ, मेरी एक वीडियो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड की है, वो है मेरी पर्सेस की कलेक्शन के ऊपर। आप लोगों को वो वीडियो कितनी पसंद आई, आप लोग मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे ज़रूर बताओ कि आपको वो वीडियो कितनी पसंद आई। उसके बाद ना मैं अपनी ड्रेसेस की कलेक्शन जो है ना वो उसकी भी वीडियो रखूँगी। ठीक है, तो वो प्लेट्स मैंने धोई ना, तो अब मैं इसको, ये टिश्यू कहाँ चला गया, इस टिश्यू को निकालूंगी, ये रहा टिश्यू निकल गया। ठीक है, इसको मैं निकाल के प्लेट्स को थोड़ा ड्राई कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा ये रेडी हो गया है, लेकिन ना थोड़ा और क्रिस्पनेस के लिए हम जो है इसको, ठीक है,
ठीक है, ये ड्राई हो गया। अब थोड़ा सा खोल के देखते हैं। वाओ, बहुत प्यारा इसका कलर आया, लेकिन ना ये वाला डार्क नहीं है। थोड़ा सा हम इसको ऑफ करेंगे तो ये वाला डार्क हो जाए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है तो ये फिर ऑफ हो गया, लेकिन ये ऑन ही है। थोड़ा सा ना डार्क ब्रेड जो है ना, वो ज़्यादा मज़ा देती है। अच्छा, वैसे ये बन गया है तो हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। मशीन वैसे ही गर्म है तो इसलिए मैंने इसको ये डार्क किया। ठीक है, ऑफ़ कर दिया, लेकिन ये मशीन बिल्कुल गर्म है। अच्छा, अभी ना इसको क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। कल सुबह जब वैसे ही किचन की सफाई होगी ना, तो उस टाइम हम इसे अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और आपको दिखाएंगे पी के सैंडविच मशीन्स को ना क्लीन कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी औरतें डरती हैं कि इसके अंदर पानी ना चला जाए या ये। तो हम बिल्कुल ख्याल से मैं आपको बताऊंगी कि इस वाली मशीन को आपने क्लीन कैसे करना है। ठीक है, डार्क हो ही गया ऑलमोस्ट, तो मैं इसको निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने यहाँ रख लिया, फिर दूसरे वाले को भी ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे सैंडविच बन गए। अब सीज़र ले, सीज़र अगर आपके पास है किचन में, एक सीज़र रखा करें, क्योंकि सीज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है धनिया पुदीना मिर्च काटने के लिए, तो वो मैं सीज़र से ही काटती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक फ़ोन से, तो ऑब्वियसली मैं वीडियो ही बना रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे काटूँगी। मुझे रिंग लाइट लेनी है, वो इंशाल्लाह मैं लूँगी। जब आप लोग मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर मैं रिंग लाइट भी ले लूँगी, सब कुछ ले लूँगी, लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्राइबर्स तो बढ़ें, है ना। ठीक है, इसको हमने काट लिया ऐसे, और फिर इसको भी काट लेंगे कैसे। ओके, एक सेकेंड, यही हूँ मैं। ठीक है, ये काट लिया, ये हम रखेंगे ऐसे और इसको ढक देंगे। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे कि ढक दें। और फिर जो है गाइस, और अब मैं मिल्क निकालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रूटीन है कि वो जो है रात को मिल्क पी के सोते हैं, उनको बचपन से आदत है। मुझे तो नहीं है तो मैं नहीं पीती, लेकिन मेरे हस्बैंड को है, तो हम उसके लिए मिल्क निकालेंगे। ठीक है, अपने शौहरों का ख्याल रखा करो, क्योंकि बुढ़ापे में वही आपके काम आएगा और कोई काम नहीं आता, तो इस वजह से ये मैंने मिल्क निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं इसमें मिल्क डालूँगी। ये मिल्क रखा हमने, और इसको हम रखेंगे फ्रिज में। ठीक है, अब फ्रिज कर लिया क्लोज, और ये हम निकालेंगे ट्रे। ओहो ओहो हो हो, ठीक है, ट्रे को रखेंगे यहाँ। अब ट्रे में रखेंगे मिल्क, और इसको हम करेंगे ढक्कन दे देंगे। कवर करना लाजमी है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ चली जाती है तो आपने इसको कवर करना है। और फिर हम सैंडविच जो है वो रखेंगे, और ये केचप। ठीक है, और ये हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, बाकी मेस तो है वो कल ही सुबह क्लीन होगा। आप लोग रात को सोते वक्त जो है ओवन भी चेक किया करो। ठीक है, ओवन क्लोज है। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, आप देख सकते हैं सैंडविचेस के ऊपर। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं अपने और न्यू व्लॉग्स आप लोगों के सामने लाऊंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।